और सुबह के 6 बजे सरजू नदी घाट पर इस तरह से नज़ारा है। तो हम इस वक्त हैं अयोध्या सरजू नदी के तट पे, और देखिए सरजू नदी तट पे किस तरह से सुबह 6 बजे का नज़ारा है। हजारों भक्त स्नान कर रहे हैं सरजू नदी के निर्मल जल में, तो बहुत ही भव्य यहाँ पे नज़ारा, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ये है सरजू नदी का नज़ारा सुबह 6 बजे अयोध्या। तो जल थोड़ा कम है पिछली बार की तुलना में, जब यहाँ अधिक था इस बार जल बहुत ही कम है। तो जल बहुत ही कम है, फिर भी सुबह में स्नान करने वाले भक्तों की काफ़ी संख्या है यहाँ पे। और ये देखिए राम की पौड़ी में किस तरह लोग स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्नान करने के लिए। और यह सरयू नदी से पानी को लिफ्ट करके कृत्रिम नहर में छोड़ा जाता है, तो आप देख सकते हैं आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कम पानी है और बहुत ही ज़ोर से आवाज़ हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए कितना अच्छा बना हुआ है राम की पौड़ी में, और लोग स्नान करते हुए। राम की पौड़ी अयोध्या पर खूबसूरत नज़ारा सुबह के 8 बजे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है राम की पौड़ी पर सुबह का नज़ारा और लोग स्नान करते हुए। तो जब भी आप अयोध्या आएँ तो राम की पौड़ी में ही स्नान करें, हालांकि आप सरयू नदी में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन सरयू नदी से अच्छी व्यवस्था राम की पौड़ी में है, तो आप राम की पौड़ी में स्नान करते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगी आपको। यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं।